हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगिताज ऑल इन वन चैनल। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पर ही प्रोफेशनल काइंड ऑफ बेबी फ़ोटोशूट कैसे कर सकते हैं। एज अ पेरेंट वी ऑलवेज वॉन्ट कि हम अपने बेबी के एक ब्यूटिफुल मोमेंट्स को, माइलस्टोन्स को कैप्चर कर लें, बट एवरी टाइम वी कैन नॉट गो फॉर प्रोफेशनल बेबी फ़ोटोशूट। फर्स्ट रीज़न, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट। सेकेंड रीज़न, पैंडेमिक इज़ गोइंग ऑन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पर ही बहुत ही बेसिक चीज़ों को यूज़ करके एक ब्यूटीफुल सा सेटअप कैसे तैयार कर सकते हैं, एंड द एंड रिजल्ट इज़ अमेजिंग। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ और भी अमेजिंग आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं सेटअप कैसे तैयार करना है। तो ये है मेरी बालकनी जहाँ पे मैं सेटअप तैयार करने वाली हूँ, और यहाँ पे नेचुरल लाइट भी है और नेचुरल लाइट में फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक गेट है, तो उसको कवर अप करने के लिए मैं एक प्लेन बेडशीट ले रही हूँ जिसे मैं हैंग कर दूँगी। आप कोई भी प्लेन बेडशीट ले सकते हैं किसी भी कलर की, बट आप जो भी सेटअप तैयार कर रहे हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, कलर थीम। अगर आप कलर थीम को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, आपकी थीम में सिर्फ दो या तीन कलर्स हों, तो फ़ोटोग्राफ्स अपने आप ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं प्लेस कर रही हूँ एक रग, ये ग्रीन कलर का रग है। अगर आपके पास रग नहीं है तो आप प्लेन बेडशीट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक सीटिंग एरिया को तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने दो गद्दियाँ ली हैं, इनको बिछा के इसके ऊपर मैं वाइट कलर की एक प्लेन बेडशीट बिछा दूँगी। यहाँ पर मैं एक टीपी टेंट तैयार करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने दो दुपट्टे लिए हैं। दोनों वाइट कलर के हैं, पर दोनों का फैब्रिक डिफरेंट है। आप जैसा कलर का चाहें वैसा दुपट्टा ले सकते हैं अपनी कलर थीम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे दोनों दुपट्टों को मैंने सेंटर में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, और दोनों दुपट्टों को एक साथ थ्रेड की हेल्प से बांध देंगे। सीटिंग एरिया के ऊपर मैंने ऊपर से एक धागा बांध कर रखा हुआ है, और इस धागे से मैं उन दुपट्टे को बांध दूंगी। अगर आप धागा बांध नहीं सकते हैं ऊपर से, तो फिर आप सेलो टेप की हेल्प से उसे चिपका भी सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल लीव्स ली हैं, और इसे मैं सेंटर में दुपट्टे के ऊपर बांध दूंगी। अगर आप ऊपर से धागा नहीं बांध सकते तो आप लकड़ी की स्टिक्स भी ले सकते हैं और उससे एक टेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम इन दुपट्टों को चारों तरफ फैलाकर सीटिंग एरिया के नीचे दबा देंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉप सेट कर दिए हैं, जैसे कुछ बॉक्सेस, ग्रामोफोन, प्लांटर, कैंडल्स, डिफ्यूज़र। आपके पास जो भी एसेसरीज़ हों, जो भी प्रॉप्स हों, आप ऐड कर सकते हैं। और लीजिए, अब आपका बेबी फ़ोटोशूट के लिए एक पूरा सेटअप तैयार है। और ये हैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो इस सेटअप में मैंने अपनी बेटी के लिए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।